अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल शाजिया पूरीज किचन। हम आपके लिए लेकर आए हैं समर स्पेशल ग्रीन एप्पल मूज़। ग्रीन एप्पल मूज़ बनाना बहुत ही इजी है। समर में आप इस तरीके से अगर ड्रिंक बनाएंगी तो आप खुद को बहुत ही ज़्यादा रिलीफ महसूस करेंगी, क्योंकि समर में हमेशा सभी को चक्कर, कमज़ोरी, थकान बहुत ही ज़्यादा लगती है। तो आप इस तरीके से समर में इस तरीके का मूज़ या ड्रिंक ज़रूर बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रीन एप्पल मूज बनाना। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए ग्रीन एप्पल। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, विटामिन से भरपूर होते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं ग्रीन एप्पल। आप इसकी जगह पर रेड एप्पल भी ले सकते हैं। तो एप्पल को हमने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था और अब हम इसका छिलका निकाल देंगे। छिलका आप चाहें तो निकालें और चाहें तो नहीं भी निकालें। ये देखिए, तो सबसे पहले इसके हम ऊपर के इस मोटे डंठल को निकाल देंगे और यहाँ पर हम इसका छिलका निकाल कर आपको दिखा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसका छिलका निकालें। ये देखिए, हमने एप्पल को छील लिया है। इस तरीके से हमें इसका छिलका निकाल देना है और इसको अब हम रफली चॉप कर लेंगे। और आप इसे चॉप करके चाहे तो थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें। हमने इसे नहीं रखा क्योंकि हम इसे फटाफट से बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, एप्पल को हमने चॉप कर लिया है और यहाँ पर हमने कीवी को पहले से छील कर रख दिया था फ्रीज़र में और इसको भी हम रफली चॉप कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसको हमें नहीं रखना है कि हमें इसको बहुत देर के लिए फ्रीज़र में छोड़ देना है। सिर्फ आधे घंटे के लिए आप छोड़ सकती हैं। बस हल्के से इसमें आइस क्रिस्टल आ जाएं, बस इतना ही हमें रखना है। और ये कीवी भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, विटामिन सी से भरपूर भी होती है और काफ़ी सारी इसमें एनर्जी भी होती है। तो कीवी को अब हम सबसे पहले डालेंगे मिक्सी के जार में, साथ में एप्पल भी डाल देते हैं देखिए इस तरीके से। और इसमें हम डालेंगे ये आधा नींबू का रस। यहाँ पर हमने नींबू का रस डाल दिया है, आधा नींबू हम ले रहे हैं। और इसमें हम डालेंगे हनी। आप हनी की जगह पर ले सकती हैं शुगर। अगर आपके पास हनी नहीं है तो आप शुगर को भी ऐड कर सकती हैं। 2 टेबल स्पून के जितना इसमें हम हनी ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने ये देखिए 2 टेबल स्पून के जितना हनी ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसमें पुदीने के पत्ते भी डाल सकती हैं, ये आपके ऊपर है, आपके टेस्ट के ऊपर है। थोड़ा सा ये देखिए, हम यहाँ पर आइस क्यूब भी साथ में डाल देंगे और अब हम इसको पीस लेंगे। तो आप ये देखिए, एकदम हमने इसको फाइन बना लिया है और इसे अब हम ठंडा ठंडा सर्व कर लेते हैं ग्लास में। और ये लीजिए, हमारा ग्रीन एप्पल मूज़ बनकर तैयार हो गया। देखा आपने कितनी जल्दी ये फटाफट से बनकर तैयार हुआ है। इसे बनाने में हमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा है, सिर्फ 2 मिनट का वक्त लगा है। अक्सर हम लोग मार्केट से आते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा थकान, चक्कर, कमज़ोरी आती है। तो आप इस तरीके से आएँ और फटाफट से अपने लिए ग्रीन एप्पल मूज़ बनाएँ। या आप फ्रूट्स को पहले से ही कट करके फ्रीज़र में रख दें और जब मार्केट से आएँ तो उन्हें ब्लेंड कर लें और ये देखिए फटाफट से सर्व कर लें। ये देखिए, आपका ग्रीन एप्पल मूज़ बनकर तैयार हो गया। अगर आपको हमारी ग्रीन एप्पल मूज़ की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले नंबर पर देखने को मिलेगी, वो भी फ्री में। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपीज़ के साथ।